हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो इस व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने है वो आपको अच्छी तरह से दिख रहा है, और नहीं दिख रहा हो तो देखने की कोशिश कीजिए कि व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है वो है एग्जाम्पल नंबर 18, और जो है नंबर सिस्टम नामक चैप्टर से। तो रुके रहिए और बड़े ध्यान के साथ देखिए, विदाउट स्किप द वीडियो, वीडियो को स्किप करके न जाएं, क्योंकि स्किप करने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। स्किप 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 ना कीजिएगा। और जो नॉलेजेबल वीडियो है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, आपके चैप्टर से रिलेटेड है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, इससे आपको कुछ काम बनता है तो इसे देखिएगा। फालतू के रील्स को ना देखिएगा, 1-2 घंटे देख सकते हैं, बाकी आप मैथ का वीडियो यहाँ से पढ़िए। बड़े ही रोचक तरीके से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं उसी तरीके को हम आपके सामने लेकर पेश हैं, क्योंकि आपको चाहिए कि जो पार्ट है वो बढ़ाना हो और एक वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाया जाए, तो हम ऐसा ही करवा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और एक क्वेश्चन को पूरी तरह समझकर ही जाइए, और इस वीडियो को एंड तक देखिए। और इस क्वेश्चन को समझने से आप इस तरह के हजारों क्वेश्चन को चुटकियों में कर दोगे। तो देखिए, इससे पहले भी हमने एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 18, यानी कि 16, 17, 18 में आपको पढ़ाया है यही रेशनलाइजिंग करना, यानी कि किस तरह से हम एक संख्या का रेशनलाइजेशन करते हैं, वो हमने आपको पिछले 3 एग्जाम्पलों में अच्छी तरह से बताया है। तो किसी संख्या का रेशनलाइजेशन करना क्या होता है, किसी संख्या के जो डिनोमिनेटर होता है उसका रेशनलाइज करना क्या होता है, तो रेशनलाइज करना होता है परिमेयकरण करना, यानी कि जब कोई व्यंजक है, जो हमें कोई भी व्यंजक यदि हमें दिया हुआ है और उस व्यंजक के हर के रूप में, यानी डिनोमिनेटर के रूप में हमें कोई ऐसी संख्या दी हुई है। समझने की कोशिश कीजिए, जब हमें कोई ऐसा व्यंजक दिया हुआ है जिस व्यंजक के हर में, यानी कि नीचे, जिस व्यंजक के हर में यानी डिनोमिनेटर में कोई ऐसी संख्या, ऐसी ऐसा नंबर दिया हुआ है जो इरेशनल है, जो अपरिमेय है, तो उसे हमें क्या करना है कि उस नंबर को हमें मतलब उस नंबर को हमें परिमेय संख्या में बदलना है, यानी उस अपरिमेय संख्या को हम जब परिमेय संख्या में बदल देंगे, यानी दिए गए व्यंजक के हर को, दिए गए व्यंजक के हर को जब हम किस में बदल देंगे, परिमेय संख्या में बदल देंगे, तब वो ही हमारा परिमेयकरण, यानी कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहलाएगा, यानी हर का परिमेयकरण कहलाता है। यानी कि इस संख्या को यदि हम परिमेय संख्या में बदल दें, और इस संख्या क्यों कह रहा हूं मैं, ये अपरिमेय संख्या है और ये हर के रूप में दी हुई है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इस डिनोमिनेटर का जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे एज ए रेशनल नंबर, तो हम एक्चीव करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, एक ऐसा व्यंजक जो इसके इक्विवेलेंट होगा, मतलब हम इसके इक्विवेलेंट एक ऐसा व्यंजक, इसके तुल्य एक ऐसा व्यंजक प्राप्त करेंगे जिसका हर कैसा हो, परिमेय संख्या हो, और हमारा जो है वो परिमेयकरण कंप्लीट हो जाएगा। यदि तुमसे कोई पूछे कि परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण कर रहे हो कोई बात नहीं, आंसर भी ला रहे हो इसको चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करके, और तुम ला रहे हो, लेकिन तुमसे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हर का जो परिमेयकरण किया जाता है उसकी डेफिनेशन क्या है, किस प्रकार से आप उसे डिफाइन करोगे, किस प्रकार से आप उसे बताओगे सामने वाले को कि हम हर का परिमेयकरण क्यों करते हैं। तो हम आपको बता दें कि हर का परिमेयकरण हम इसलिए करते हैं क्या, ताकि उस व्यंजक को हम परिमेय संख्या के तुल्य बना सके, यानी उस व्यंजक के हर को हम एक परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर सके, अंश में चाहे अपरिमेय संख्या हो या कुछ भी हो, लेकिन हमें तो उसके हर का परिमेयकरण करना है, मतलब नीचे वाली संख्या का जब परिमेयकरण हो जाता है तो हम उसे ही रेशनलाइजेशन कहते हैं। एक शॉर्ट मेथड में कहें तो एक ऐसा व्यंजक जिसके हर में अपरिमेय संख्या दी हुई है, यदि हम उसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में बदल दें जिसका हर एक परिमेय संख्या हो,
तो यह परिमेयकरण कहलाता है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो आप इजीली इसको समझा सकते हो और इजीली खुद समझ सकते हो। तो ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से समझिए, रोचक ढंग से समझिए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और रुके रहिए यहाँ पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, स्किप करके ना जाइए, पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद आनंद लीजिए लाइफ का और अपने ज्ञान का कलेक्शन कीजिए, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अच्छे ढंग से पढ़े लिखें और खुश रहें। देखिए, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जीवन में खुश रहें और अच्छे तरीके से पढ़ें। जहाँ भी आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहाँ से पढ़ें, यहाँ से पढ़ें, कहीं से पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। ध्यान दें, 1/7 + 3√5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हम आपको इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुके हैं कि किसी संख्या का परिमेयकरण क्यों किया जाता है, और हम यहाँ बात हर बात को इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाए, आप उसे भूले ना। जब भी एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये कंसेप्ट माइंड में बना रहे ताकि आपको फिर दोबारा से उसकी प्रिपरेशन ना करनी पड़े। जैसे लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, 2-3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, तो हम आपके लिए एक ऐसा बेस लेकर आए हैं, 0 to 0, यानी कि एक ऐसा है जो आप 0 से समझिए। हर चीज़ की डेफिनेशन हमसे लीजिए आप, परिमेय संख्या की हर चीज़ की डेफिनेशन के साथ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि एक क्वेश्चन में, एक पार्ट में, एक एग्जाम्पल में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे, और जो सामने वाला है, जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट जो भी हैं, उनके अच्छी तरह से इस तरह से समझ में आए कि वो उनके जीवन को सार्थक बनाएं। तो जीवन की सार्थकता को समझते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, और आप यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए कि हम इसके अब हर का परिमेयकरण करने जा रहे हैं। तो हम ऑलरेडी पिछले 3-4 एग्जाम्पलों में बता चुके हैं कि हम इसे किस प्रकार से करते हैं। तो जब हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, और जब हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख करके जब इसे इस तरह हल करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि हम इसको इस तरह से यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जैसा ऊपर लिखा हुआ है वैसा हमने लिख दिया है, नो चेंज है। इसके बाद हम इसे दोबारा लिखते हैं, और 7 + 3√2, और हमने बताया था कि हम मल्टीप्लाई का साइन करके और इसे क्या कर देंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे और इसे सेम टू सेम ऊपर नीचे लिख देंगे। अब देखिए, चिन्ह हमने बदल दिया है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह था और वहाँ पर माइनस का चिन्ह हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें जो डिनोमिनेटर है उसका क्या हो जाए, रेशनलाइज हो जाए। तो इसका रेशनलाइज करने के लिए हमने इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया, उसी संख्या से गुणा कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है जो इसके डिनोमिनेटर में उपस्थित थी, और हमने इसके साइन को चेंज कर दिया है। तो देखिए, जब हम एक चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेम संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, यानी कि यहाँ पर सेम 7 - 3√2 हमें प्राप्त हो जाता है। और हम क्या देखते हैं कि जब हम इसको इससे 7 को 7 से करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 49 आएगा। इसके बाद जब इसी सात को हम इससे गुणा करते हैं तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हमारा माइनस का चिन्ह आ जाता है। और जब हम 7 को किससे करते हैं, 3√2 से गुणा करते हैं, तो रूट वाली को तो नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है, तो 3 से गुणा करते हैं तो 7 * 21 हो जाता है, और ये 21√2 आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसे थोड़ा और इधर लिख लेते हैं क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर स्पेस कम बचा हुआ है, तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा इसे दोबारा से 49 - 21√2 इस तरह से कंप्रेस करके हमने लिख लिया है। तो देखिए, दोनों जो 7 है दोनों स्टेप से मल्टीप्लाई होके ये आ गया है। इसके बाद जो ये वाला स्टेप है उसे हम इससे मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हम देखते हैं कि 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ जाता है, और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का 21 आ गया है हमारा। इसके बाद हमारा बचा है कि हम इस वाली संख्या को, अब आप कहोगे कि 7 को √2 से गुणा करेंगे तो 7√2 आएगा और 3 को करेंगे तो 21 आएगा, नहीं, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं और इसको हम इससे गुणा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई रूट का चिन्ह नहीं है। हम 3 को 7 से करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 21√2 हो जाएगा, और वो भी किसका होगा, प्लस का। आप देखिए,
हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों संख्याएं सेम प्रतीत हो रही हैं। ध्यान से देखिए, रूट दो तीन तीन प्लस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो जब प्लस को चिन्ह को भी साथ में आपको मल्टीप्लाइंग करते हुए चलना है, जब हम चिन्ह को यानी कि साइन को सिंबल को भी मल्टीप्लाइंग करते हुए चलेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और इजीली हम उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ज्यादातर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि वो साइन को मल्टीप्लाई ना करते हैं और साइन की गलती हो जाने पर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान से देखिए और साइन को मल्टीप्लाइंग करते हुए चलिए, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा और तीन को तीन से गुणा करेंगे तो नौ आ जाएगा। ध्यान से देखिए, और रूट दो को रूट दो से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, क्योंकि चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ पर हम दो लिख देते हैं, नौ इंटू दो है, ध्यान रखिए। अब देखिए बराबर में हम लिखते हैं उनचास। देखिए ये दोनों क्या है, सेम नंबर है, एक प्लस का है एक माइनस का है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि वो दोनों संख्या सेम है विदाउट चिन्ह के, दोनों संख्या सेम है लेकिन उनका चिन्ह विपरीत है, एक का प्लस है माइनस है, तो वो जीरो हो जाती है चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो देखिए दोनों संख्या सेम है लेकिन चिन्ह विपरीत है तो दोनों कट जाएंगी और यहाँ पर बचेगा माइनस का 18, क्योंकि इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 49 माइनस 18 बचा है, हमने सिर्फ एक स्टेप को लिखा है, किसको, डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को हमने लिखा ही नहीं, तो हमें न्यूमरेटर भी लिखना होगा। पहले हम न्यूमरेटर को लिखते हैं, ये हमारा न्यूमरेटर है यानी कि हमारा अंश है, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 49 माइनस 18 जो कि हमारा कट पिट कर आया है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे और 49 में से जब हम 18 घटा देते हैं, सब्ट्रैक्शन 49 18, यानी कि आउट ऑफ 49 में से हम 18 को घटा देते हैं तो हमारा 31 बच जाता है। और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नाउ वी अचीव सक्सेसफुल, हमने सफलता प्राप्त कर ली है इस क्वेश्चन को हासिल, इस क्वेश्चन को हल करने में। तो आप ध्यान से देखिए, रुके रहिए, समझते रहिए और मजे लेते रहिए क्वेश्चन के, कि किस तरह से रोचक ढंग से एक क्वेश्चन को समझाया जाता है और किस तरह से अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन को हल किया जाता है, ताकि आपके माइंड में वो हमेशा के लिए बना रहे और आप कभी भी उसे भूले ना। यदि आप इस क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस तरह के रेशनलाइजेशन को कभी भी नहीं भूलोगे। और यदि आप स्किप करते हुए चलोगे, दौड़ते हुए चलोगे, तो आपकी नजर ही नहीं पड़ेगी कि हम क्या बताने जा रहे हैं। इसलिए जो हम बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह से समझिए, इतनी मेहनत करके हम आपको बता रहे हैं, तो इसको आप बेस्ट ना जाने दीजिए और बड़े ध्यान से इसको समझिए, ताकि ये क्वेश्चन आपको जीवन में दोबारा ना पढ़ना पड़े और इसी तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हम उसे तुरंत हल कर दें। स्किप करने का यही मतलब होता है कि लोग उसे बार बार हजार बार पढ़ते हैं लेकिन फिर वो माइंड में आता ही नहीं है, भाग जाता है। और अब ध्यान से पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो अब इसे, यदि इस वीडियो को कोई भी यदि ध्यान से देख लेगा, जिसने पहले भी ना पढ़ा हो, कभी भी ना पढ़ा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला हो, कोई सी एग्जाम वाला हो, यदि यहाँ पर ध्यान से देख लिया है ये वीडियो तो वो उसे कभी नहीं भूलेगा। चाहे ये क्वेश्चन उसने हजार बार पढ़ा हो, चाहे एक करोड़ बार पढ़ा हो, लेकिन यहाँ से जिस तरीके से हमने इसको समझाया है, उस तरीके से उसने उसने पढ़ लिया तो उसका जो है मींस बहुत गजब का निकल के आएगा। अब हम देखिए कि इसको, इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको थोड़ा लिखा देते हैं। वैसे हमने बता दिया है कि किसी संख्या के हर का रेशनलाइजेशन करने का मतलब होता है कि उसका जो परिमेय संख्या के रूप में हर दिया हुआ है उसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक के रूप में चेंज करना जिसे जिसका हर क्या हो, परिमेय संख्या हो। तो हम लिखेंगे कि किसी संख्या के परिमेयकरण का मतलब,
किसी संख्या के परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि मीन्स उस संख्या के हर का, यानी कि किसी संख्या के परिमेयकरण का मतलब उस संख्या के हर का परिमेय संख्या में बदलना, परिमेय संख्या में बदलना। होता है। तो ये दो चार बिंदु हमने आपको लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या समझते हैं कि किसी संख्या के परिमेयकरण का मतलब, जब हम किसी संख्या का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो हम इसका मतलब ये है कि उस संख्या के हर का परिमेय संख्या के रूप में बदलना, यानी कि उस संख्या का जो हर है उसे हम, अब हमने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर, ये नहीं लिखा है कि उस संख्या के अपरिमेय हर के रूप में उसे परिमेय बदलना। आप डायरेक्ट समझने की कोशिश कीजिए कि मतलब उस संख्या के हर का परिमेय संख्या के रूप में बदलना, क्योंकि उस संख्या का हर ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, अपरिमेय संख्या में दिया हुआ है, तो उस अपरिमेय वाली संख्या जो का जो हर है उसे हम परिमेय संख्या में बदल देंगे, उसे हम इस प्रकार के तुल्य व्यंजक से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका जो हर है वो एक परिमेय संख्या में बदल जाए। और यही इसका मीन्स होता है। सीधे सीधे शब्दों में, देसी भाषा में हमने आपको लिखा दिया है, ना कि बुक की लैंग्वेज में। तो आप ध्यान से समझिए, अच्छे तरीके से समझिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दबा के।